हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया फ्रॉम द सिंघानिया ग्रुप्स। कैसे हैं आप लोग? और जैसे कि बेसिकली बहुत लोगों को लगता है कि अगर जो मैंने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस बताया, इन्वेस्टमेंट के और भी एडिशनल प्लानिंग्स बताई, तो बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सिक्योरिटी की डर रहता है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स अभी आ गई थी हाल में, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो सेबी ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, उसमें नए आपके इन्वेस्टमेंट रुक गए। फिर उसके साथ साथ गिल्ड फंड में भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आई, तो उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स के माइंड में अब ये चीज़ें आ गई। और साथ ही साथ एफडीज में भी जब इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसा कि आपका बैंक से जब दिवालिया हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे उनकी एफडी कितनी तरीके से सिक्योरिटीज है, क्या परसेंटेज है, तो इसके बारे में लोगों को सारी चीज़ें पता चलनी पड़ी। फिर डिटेल्स में, फिर पासबुक वगैरह में या बैंक स्टेटमेंट में लास्ट में लिखा जाने लगा कि कितना आपका इंश्योर्ड होती है वैल्यू, कितनी इंश्योर्ड नहीं होती है अगर आप एफडी कराते हैं। तो जो कि अभी इस फाइनेंस एक्ट में, जो कि 2020 है, इस फाइनेंस बिल में आपका चेंज किया गया है, जो कि आपकी 1 लाख रुपए जो आपकी एफडी का जो सिक्योरिटी अमाउंट था, वो बढ़ा के आपका 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अब लोगों को ये डर रहता है कि वो और सिक्योरिटी चाहते हैं, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं कि जो एकदम पूरी तरीके से सेफ हो, उनको 1 भी% का रिस्क नहीं चाहिए, तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो आज जो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए, वो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है। गवर्नमेंट बॉन्ड में पहले हुआ करता था कि अगर आप पहले इन्वेस्टर्स हैं, तो नॉर्मली आप FIIs नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, या कोई बड़ी कॉरपोरेट एजेंसीज नहीं है, तो आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। बट लास्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर में सेबी ने कुछ चेंजेस किए, फिर उसके बाद कुछ अप्रूवल्स हुए गवर्नमेंट के बाद, जिसमें आप नॉर्मल अगर इन्वेस्टर्स हैं, तो आप भी इसमें अब डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू वो भी आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उस तरीके से आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही केवल रहते हैं, तो और आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के और भी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने तरीके के आपकी मेच्योरिटी के बेनिफिट्स के साथ हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, तो जो इनकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स कई तरीके के होते हैं। अगर टैक्स के बेसिस पे दे तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेंगे और टैक्सेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेंगे। अगर हम कैटेगरी देखें, अगर इनकी मेच्योरिटी डेट के बेसिस पे देखेंगे, तो आपके जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका कैश मैनेजमेंट बिल आ जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल के साथ आपका ट्रेजरी बिल आता है, फिर अदर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं, तो 3 कैटेगरी ऐसी हो गई। और फिर इंटरेस्ट के बेसिस पे देखें तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट आपका गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाता है, प्लस फिक्स इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड आता है। तो क्लासिफिकेशन के काफी तरीके हैं। तो चलिए अब चलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है, और उसके थोड़े से डीप में जाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आरबीआई की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, आरबीआई में जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में डिफाइन किया गया, और मैं अपने लैंग्वेज में उसे आपको इजी वे में बताऊंगा, ताकि आपको बहुत लंबा और लेंदी ना जाना पड़े। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आरबीआई के थ्रू क्या है, व्हाट इज बॉन्ड। तो अब इसके बारे में बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर कोई भी गवर्नमेंट, जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज को जब कोई डेट चाहिए होता है, कंपनीज को कोई अमाउंट चाहिए होती है, जब उधार में जब डेट चाहिए होता है, तो उस बेसिस पे वो इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना डिबेंचर इशू करती है। तो अपना एक प्रोजेक्ट होता है, उनका कुछ फाइनेंस करने का, मार्केट से जब पैसा उठाना होता है, तो अपना एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जिसे हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। उसे भी उनके उनके कंडीशंस में भी ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, कंपनीज भी अपने बॉन्ड इशू करती है। लेकिन हम गवर्नमेंट बॉन्ड की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पूरी तरीके सेफ एक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड की भी डेफिनेशन वही हुई कि अगर जब एक बॉन्ड भी एक इन्वेस्टर के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, कि जब वो कहीं किसी मार्केट से डेट डेट लेना चाहती है, तो डेट लेने का सबसे सिंपल प्रोसीजर क्या होता है कि वो कोई एक सर्टिफिकेट इशू करती है, एक सर्टिफिकेट जो कि एक इन्वेस्टर को ये सिक्योरिटी देता है कि आपने हमारे पास इतने रुपए लगाए हैं, और उसके बेसिस पे अगर आप कभी भी उधार लेते हो किसी अपने फ्रेंड से या किसी भी सर्कल से, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी, अब गवर्नमेंट के का मेरा तात्पर्य है स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, कहीं पे बहुत बड़ा टैंक लगाना है, बनाना है, कहीं पे बहुत बड़ा आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन कराना है, कहीं पे आपका कोई हाउसिंग डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन कराना है,
और बहुत सी चीजें हैं उसके बेसिस पे, जब उसे मार्केट से फंड चाहिए होता है तो उसके बेसिस पे वो भी एक बॉन्ड इशू करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब आपने रेलवे के लिए चाहिए होता है कॉर्पस, एक बहुत बड़ा कॉर्पस प्लस उनका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसी के रिगार्डिंग उन्हें भी डेप्ट चाहिए होता है, तो डेप्ट लेने के लिए जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई के सुपरविजन में वो एक बॉन्ड इशू कराते हैं जिसकी बिडिंग आरबीआई के थ्रू होती है, उसका देख रेख आरबीआई करता है, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी जो भी टर्म्स हैं, मॉनेटरी टर्म्स की आपकी गवर्निंग करना और मॉनेटरी टर्म्स में लिक्विडिटी मेंटेन करना, वो काम आपका आरबीआई को सौंपा गया है। तो आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने पास बुलाती है, फिर उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बुलाती है, दोनों को बुला के वहां बैठाती है, उन्हें चाय पानी नाश्ता कराती है, फिर नाश्ता वगैरह कराने के बाद उनसे बोलती है ठीक है हम आपको इतना उधार मिलेगा, आपको इतना उधार मिलेगा, आपके बेसिस पे हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपके बिहाफ पे एक बॉन्ड इशू करते हैं जिसका इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, और मार्केट से वो पैसा आएगा और उसकी जो भी सिक्योरिटी होगी नाम मेरा होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारे थ्रू उसकी बाइंग होगी सेलिंग होगी वो सारी चीज हमारे थ्रू होगी, क्योंकि लोगों को लिक्विडिटी में और मनी के बेसिस पे बैंक्स को इन सबको गवर्न करने में और लिक्विडिटी मेंटेन करने में फाइनेंस का आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है, तो ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं और आपको लोन मिलेगा। तो अब वहां पे स्टेट गवर्नमेंट चाय पीती हुई है और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट चाय पी रही होती है, तो फिर उन्हें सुकून मिल जाता है, फिर सारी चीज हैंड ओवर आपके आरबीआई के पास आ जाती है। तो ये थोड़ा सा एक हंसी मजाक की तरह मैं ले गया, ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ चाय पीती है या कुछ ऐसा मेरा कहने का पर्पस है यहाँ पे। हाँ कि वो एक अप्रूवल लेकर आते हैं आरबीआई, आरबीआई उसको अप्रूव करती है और अपने गवर्नेंस में आरबीआई उसे इश्यू करती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती है, वो भी एक तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसपे गवर्नमेंट का बॉन्ड लिखा, बॉन्ड पे लिखा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। एक इंसान के लिए जब वो पत्र मिलता है उनको सामने, तो उस पे उनको प्रूफ होता है कि हमने अगर 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उसने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है, मैं इस सर्टिफिकेट से, इस बॉन्ड से ये सेफ फील करूंगा कि मैंने गवर्नमेंट को पैसा दिया और गवर्नमेंट ने मुझसे पैसा लिया है और मुझे इतने समय पे वो मैच्योरिटी देगी मेरे बैंक अकाउंट में, या इतना समय समय पे मुझे इंटरेस्ट देती रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है अगर उन्हें हम मैच्योरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो वो कितने तरीके की होती है। तो मेजर जो तरीके आपके ट्रेजरी बिल्स होता है, आपका ट्रेजरी बिल्स आपका जीरो कूपन और सिक्योरिटीज होती है। ट्रेजरी बिल्स बेसिकली आपकी, इनकी मैच्योरिटी जो होती है वो आपकी 91 डेज से आपकी 365 डेज के अंदर होती है, मतलब 364 डेज की होती है। तो इनकी मैच्योरिटी 90 दिन से ज्यादा, मतलब सपोज करिए अप्रोक्सी 3 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम, 1 साल के अंदर इनकी मैच्योरिटी हो जानी चाहिए। इस तरीके के आपके जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो कि 1 साल से भी कम है, उस ड्यूरेशन के लिए अगर जो आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। अब आते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल आपके वो होते हैं जब आप जीरो डेज से, सपोज करिए 1 डेज से लेकर के आप 90 डेज की आपकी इनकी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, कभी कभी आरबीआई के कुछ ऐसे इमरजेंसी टाइम्स आते हैं उसमें लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है गवर्नमेंट को, उनका बहुत लंबा रेंज आपका डेट लेने का पर्पस नहीं होता है, 20 days, 30 days, आपके मैक्सिमम 90 days का 2 महीने 3 महीने का पर्पस होता है, तो वो आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स इश्यू करती है। तो इनकी मैच्योरिटी जो आपके 90 days में हो जाती है, 91st days पे हो जाती है। तो इनका जो बेसिक पर्पस है, कैश मैनेजमेंट बिल की जो आपकी मैच्योरिटी होती है वो 91 days से कम होती है, मतलब 90 दिन के अंदर इनको मैच्योरिटी देनी है, वो 5 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है, 30 दिन की, तो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 90 days, उससे ऊपर नहीं जाती है, तो उसे हम कैश मैनेजमेंट बिल बोलते हैं। हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हैं, ये हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी डेट। अब आते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेटेड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आपकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है, जो कि आपके 1 साल से ज्यादा, जो जिसका जो रेंज है वो आपका 5 साल से लेकर के मैक्सिमम 40 साल तक का होता है। इस तरीके के इन्वेस्टर्स जो आपके एक लंबा कॉर्पस जिनके पास होता है और वो सिक्योर एक इन्वेस्टमेंट पे करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो एफडी में भी एक ड्रॉबैक्स होता है कि वो 10 साल से मैक्सिमम नहीं हो सकती है, इसलिए वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें उनको 7 से 7.5% 8% के आसपास, जो कि आपका चाहे फिक्स इंटरेस्ट बॉन्ड में अगर आप
इन्वेस्ट कर रहे हैं या फ्लोटिंग इंटरेस्ट में, तो वो समय समय पे चेंज होता है। तो जिस तरीके के आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं उस तरीके के बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसको उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो क्वार्टरली हो या मंथली हो या एनुअली, जो भी आपने चूज किया है। तो इस तरीके से एक समरी वे में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड किस तरीके से आरबीआई इशू करती है, और गवर्नमेंट बॉन्ड जहां पर गवर्नमेंट शब्द आता है वहां पे लोगों को इसकी सिक्योरिटी और लिक्विडिटी के बारे में पूरी तरीके से एक राहत मिल जाती है, उनके माइंड में कोई डाउट नहीं होता है अगर उन्हें अपनी इकोनॉमी में पूरी तरीके से भरोसा होता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। और मैं कहूंगा कि अगर आप आपके पास बड़े कॉर्पस हैं तो आप सभी पोर्टफोलियो अगर मैनेजमेंट करते हैं तो द सिंघानिया ग्रुप्स के साथ आप सर्विसेज ले सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। हम अच्छे से आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उसके साथ साथ हम आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करके बताते हैं कि आप किन किन सिक्योरिटीज में और किस किस टाइम पे आप अपना पोर्टफोलियो चेंज करते रहिए, ताकि फ्यूचर में जो भी अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं उन अनसर्टेन इवेंट्स से आपकी जो वेल्थ है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो थैंक यू सो मच, मुझे लगता है इस वीडियो में आपको काफी कुछ क्लियरेंस हो गई होगी गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में कि गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है या इशू किस तरीके से किया जाता है और ये आपके जब मेच्योरिटी डेट्स आती है उनके बेसिस पे कितने तरीके के होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मैंने क्लासिफिकेशन की है, जो लोगों की अभी क्वेरीज आ रही थी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये भी बताइएगा कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स कौन कौन से हैं और टैक्सेबल बॉन्ड्स कौन कौन से, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने वो भी बताया हुआ। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं इस वीडियो क्लोज करता हूँ। और इसी तरीके से आप द सिंघानिया ग्रुप्स के चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपका प्यार इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। तो मैं शुभम सिंघानिया द सिंघानिया ग्रुप से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।